गाइस फाइनली विंस मैकमैन ने रोमन रेंस के लिए उनका नेक्स्ट बड़ा शॉकिंग अपोनेंट रिवील कर दिया है। और गाइस रोमन की अपोनेंट फीमेल डिवीजन की सबसे कमाल की सुपरस्टार द क्वीन शार्लेट फ्लेयर होने वाली है। आई श्योर कि ये न्यूज आप लोगों को फेक लग रहा होगा, लेकिन गाइस वीडियो के एंड तक ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये न्यूज फेक है या फिर रियल। गाइस आई होप कि आप लोगों ने आज का स्मैकडाउन देख लिया होगा। जिन भाइयों ने आज के शो को नहीं देखा है उन्हें मैं जल्दी से आज के शो का रिजल्ट बता देता हूँ। गाइस शो के स्टार्टिंग में हमें रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच रेसलमेनिया बैकलेस के आई क्विट मैच के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलता है। इसके बाद एक्सेवियर वुड वर्सेस बुच का मैच होता है और इस मैच में एक्सेवियर वुड बुच को हरा देते हैं। एंड स्मैकडाउन के अगले मैच में गंथर टेडी गुड्स को हरा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच रिडल वर्सेस जे उसो के बीच होता है एंड इस मैच में रिडल जे को हरा देते हैं। एंड स्मैकडाउन के सेकेंड लास्ट मैच में मैडकैप मॉस एंजल को हरा देते हैं। गाइस इसके बाद स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच ड्रू मैकएंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच होता है। ये मैच एक लंबरजैक मैच था। एक बार फिर से सैमी ज़ेन इस मैच में कम्पीट किए ड्रू मैकएंटायर के मार खाने के डर से रिंग को छोड़ के भाग जाते हैं और काउंट आउट के थ्रू इस मैच में ड्रू मैकएंटायर की जीत होती है। लेकिन गाइज नेक्स्ट वीक ड्रू मैकएंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक स्टील केज मैच होगा और इस मैच में सैमी ज़ेन का भाग पाना मुश्किल। गाइज WWE स्मैकडाउन के बाकी सुपरस्टारों की बुकिंग तो काफी अच्छी कर रहे लेकिन वे स्मैकडाउन के ट्रैवल चीफ की बुकिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं। डबल चैंपियन बनने के बाद हम सभी को ऐसा लगा कि अब स्मैकडाउन में रोमन रेंस को देखने में और भी मजा आएगा, लेकिन रेसलमेनिया के बाद से रोमन को डबल चैंपियन बनाने के बाद WWE के पास ना तो रोमन रेंस के लिए कोई बेटर प्लान है और ना ही उनके नेक्स्ट अपोनेंट कौन होंगे ये किसी को पता नहीं है। रोमन को डबल चैंपियन बना के WWE हमें सिर्फ बोर कर रही है। इससे अच्छे तो रोमन रेंस सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन ही ठीक थे। वे स्मैकडाउन पर हम फैंस को एंटरटेन तो कर पा रहे थे, लेकिन यार अभी रोमन के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। गाइज मैं रोमन के डबल चैंपियन बनने को बोर नहीं कहूंगा, मेरा बस यही कहना है कि जितना मजा उन्हें हमें एज अ यूनिवर्सल चैंपियन देखने में आता था अब डबल चैंपियन बनने के बाद उन्हें देखने में डबल मजा आना चाहिए था, लेकिन अभी WWE ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। गाइज जब स्मैकडाउन में सिंसके नाकामुरा और रोमन रेंस फेस टू फेस आए थे तब सभी को लगा कि नाकामुरा ही रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट होंगे। उस दिन उसोज ने तो नाकामुरा पर अटैक भी कर दिया। इसके बाद ऐसा लगा कि सिंसके नाकामुरा रोमन रेंस से इस अटैक का बदला लेंगे और वे फाइनली रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आगे नाकामुरा और रोमन की फ्यूड कंटिन्यू हो ये तो पता नहीं है। गाइज एक काफी मजेदार रूमर आई है कि अगर रोमन के लिए मेल्स डिवीजन के सुपरस्टारों में से कोई अपोनेंट नहीं मिला तो WWE रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट के लिए फीमेल डिवीजन की सुपरस्टारों की ओर देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि फीमेल डिवीजन में अगर कोई रोमन रेंस को टक्कर दे सकता है तो वो सुपरस्टार द क्वीन शार्लेट फ्लेयर हो सकती है। गाइस WWE के एक सुपरस्टार ने रोमन वर्सेस शार्लेट के मैच को टीज किया है। डगली बॉयज को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये दोनों WWE के काफी पावरफुल टैग टीम हुआ करते थे। तो गाइस इसी डगली बॉय के एक मेंबर बुली रे ने रोमन रेंस के बारे में एक काफी बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि शार्लेट फ्लेयर WWE की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फीमेल डिवीजन में शार्लेट टॉप सुपरस्टारों में से एक है, लेकिन बुली रे का कहना है कि करंट में वे पूरे WWE की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो काफी शॉकिंग था। शार्लेट फ्लेयर रोमन रेंस से भी बड़ी सुपरस्टार है। भाई मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि ये बुली रे ने क्या कह दिया। हम ये मानते हैं कि शार्लेट फ्लेयर एक कमाल की सुपरस्टार है, लेकिन बुली रे शार्लेट को रोमन से ऊपर कैसे कह सकती है? इन दोनों में से कौन टॉप पर है अगर ये पता लगाना है तो गाइज वो हमें WWE के मालिक विंस मैकमैन बता सकते हैं। रोमन के लिए अभी तो कोई अपोनेंट मिल नहीं रहा है। अगर वे शार्लेट को रोमन का नेक्स्ट अपोनेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये हम फैंस के लिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और गाइज कोई शक नहीं है कि विंस मैकमैन ऐसा कर भी सकते हैं। गाइज एक बार विंस मैकमैन ने तो ये सोचा था कि वे एक असली भालू का मैच द रॉक के साथ करवाएंगे। अगर विंस मैकमैन ऐसा सोच सकते हैं तो वे रोमन वर्सेस शार्लेट का मैच क्यों नहीं करवा सकते हैं? तो गाइज आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि क्या आप द क्वीन वर्सेस ट्रैवल चीफ देखना चाहोगे? तो मेरे भाई लोग आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर। और जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा है उनको मेरा थैंक्स।